नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर के समाज सेवी गुरलाल सिंह का लघु सचिवालय में धरना अभी भी जारी है। सोमवार को धरने पर विभिन्न संगठनों के लोगों ने, जिसमें जोगेंद्र नागपाल, विजय सैनी, भूपेंद्र सिंह वैदवाला, प्रधान किसान यूनियन चढ़ूनी, राजेश चौधरी, वैद भाट व अन्य कई लोग शामिल थे। उन्होंने धरना स्थल पर भ्रष्ट अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा व रामायण का पाठ भी करवाया। इस पर वेद भाट ने खुलासा करते हुए बताया कि 2016 में महाराणा प्रताप चौक से लेकर के अंबेडकर चौक होते हुए चतरगढ़ पट्टी बाईपास तक इंटरलॉकिंग गली का निर्माण करवाया जाना था, जिसमें सिरसा के ईओ ने करोड़ों रुपए के टेंडर किसी ऐसे ही ठेकेदार को दे दिए जिसके फर्जी दस्तावेज थे। आइए जानते हैं कि मामला आखिरकार क्या था। पलपल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। और सरकार जो है इतने बड़े बड़े स्लोगन दे रही है भी हम जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रही हैं। हालांकि मेरा कोई धरना इस सरकार के खिलाफ नहीं है, पर जिस तरह की अब सरकार की ये ढीलमूल रवैया चलन लग रहा है और इन बड़े अधिकारी अभी तक इन्होंने कोई किसी तरह की कोई जांच कमेटी नहीं बिठाई। मेरी एक तो आपके माध्यम से मांग है, ये डायरेक्टर विजिलेंस से एक टीम गठित हो, जो ये 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाने की तैयारी चलन लग रही है, आज या कल में उसकी पेमेंट होने की संभावना है, और उस पर रोक लगाई जाए। उसको प्रॉपर तरीके से डायरेक्टर विजिलेंस की टीम उन एस्टिमेटों को सार्वजनिक करे, शहर के विकास के लिए वो बिल बने, इधर उधर के बिल ना बने। और दूसरा, ये जो सफाई मशीनें आई हैं, वैक्यूम मशीनें, ये एक सफ़ेद हाथी ले आके सिरसा के शहर में सौंप दिए हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ बिल बनाने के लिए है। या तो नगर परिषद अधिकारी इसको सार्वजनिक एक स्लोगन दे दें भी ये सिर्फ हमारे फर्जी बिल बनाने के लिए लाई गई है, तो किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी। या तो उसको सार्वजनिक कर दें ये सिर्फ बिल बनाने के लिए है। अगर शहर की सफाई के लिए है तो प्रॉपर शहर की सड़कों पर वो चलनी चाहिए, खाली घुमा के उसके फर्जी बिल ना बनाए जाएं। और दूसरा, ये शहर का एक सामाजिक रोड है, गौशाला शिवपुरी रोड, इस रोड पे पिछले 10 सालों में ना तो उस रोड को किसी ने बनाया, हो सकता है कागजों में वो कई बार बन गया हो, पर लोगों के चलने के लिए उस रोड पे कोई जगह नहीं है। बड़े बड़े खड्डे हैं, डेली स्कूल से बच्चे आते हैं, डेली कोई ना कोई हादसे होते हैं। और 2-4 दिन पहले भी एक ईओ साहब बड़ी बड़ी स्लोगन दे के बड़ी बड़ी वीडियो बनवाई इन्होंने भी, मैं अतिक्रमण हटवान लग रहा हूँ। अच्छी बात है, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ईओ साहब जहाँ से कोठी से निकलते हैं अतिक्रमण तो वहीं से शुरू होता है, पर वो अतिक्रमण ईओ साहब को नहीं दिखता क्योंकि ईओ साहब की गाड़ी पे पर्दे लगे हैं, तो सिर्फ सामने सामने देखते, इधर उधर नहीं देखते, तो पर्दों के कारण वो अतिक्रमण नहीं दिखाई देता। और ईओ साहब जिस नगर परिषद कमेटी से निकलते हैं वहीं से अतिक्रमण तो शुरू हो जाता है, पर वो मॉक ड्रिल जो फायर ब्रिगेड वाले भी करते हैं वो सिर्फ कागजों में मॉक ड्रिल किया जाता है। अतिक्रमण की वजह से वो कभी बाजार में, मैंने तो कभी देखा नहीं, आपने देखा तो आप बता दो। और ये जो बातें आप मेरे से पूछ रहे हो, ये सब बातों का जवाब दी तो ईओ साहब है, मैं कोई कार्यकारी अधिकारी थोड़ा ना हूँ जी। मैं तो एक आम नागरिक हूँ जो टैक्स भरता हूँ, और ये शहर के लोग जो टैक्स भरते हैं उन सब का विषय है जी। उन टैक्स पे जो विकास कार्य होने चाहिए, जिस जो ये डेवलपर चार्ज ले रहे हैं लोगों से, बिजली बोर्ड वाले म्यूनसिपल टैक्स ले रहे हैं, तो बिजली का नगर परिषद तो अपना बिल भी नहीं भरती, वो भी शहर की जनता भरती है, तो ये शहर का जो विकास है वो कौन करेगा। और दूसरा ताज़ा उदाहरण आपके सामने, ये सड़क जो है ये कुछ रुपए से मेंटेनेंस होने वाली थी, ये लाखों रुपए के अपने कमीशन के चक्कर में सारी तोड़ दी, पर अब ये धरना उठ जाएगा उस दिन के बाद यही पुरानी ईंटों को नई दिखा के करोड़ों लाखों रुपए के फिर फर्जी बिल बन जाएंगे। आप 6 दिन से बैठे हो, आपकी कोई सुनाई नहीं है। हाँ जी, अब आगे कितने दिन आपको विश्वास है भी आपकी सुनाई होगी या नहीं होगी, तो आपको कोई कार्रवाई क्या होगी? मुझे नहीं लगता जी किसी तरह की कोई कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ लिपा पोती चलने लग रही है। ईओ साहब बड़े बड़े अब झाड़ू उठा रखा है इन्होंने, वो मैं तो उनको एक गुजारिश कर रहा हूँ, वो मेरे माननीय हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ भी, आप खुद झाड़ू ना उठाएं। आप एक बड़े अधिकारी हैं, आप नगर परिषद में लोग
आम जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती करें, ये लोगों को अपने वीडियो दिखाने के लिए जो है झाड़ू ना उठाएं, लोगों की भर्ती करें, आम लोगों को रोजगार भी मिले, शहर की प्रॉपर तरीके से सफाई हो, तो कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं करते? ये सिर्फ वीडियो बनवाने के लिए खुद झाड़ू क्यों उठाया है? ये आप भी उनसे पूछो ना। नहीं, अब आपसे पूछ रहे हैं, भी आप 6 दिन से बैठे हो, कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ जी, वैसे आप कितने दिन और बैठो? जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, विकास कार्य शुरू नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से, ये जो चौक चौराहे, आपका कोई टाइम पीरियड नहीं है? कोई टाइम पीरियड नहीं है जी, जब तक कार्रवाई नहीं होगी मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे ही बैठा हूँ। और ये जो अनथोराइज कॉलोनी में ईओ साहब ने खुद बयान दिया था भी, अनथोराइज कॉलोनी में पैसा हम नहीं लगा सकते, तो किन आदेशों के तहत वो पैसा लगाया जा रहा है, और कल वो टेंडर किन आदेशों के तहत खोला गया, ये आप उनसे सवाल करिए ना।